मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT और PGT चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं और इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पूछा गया है, अवरोही क्रम में सही काल क्रम अनुसार चुनिए। आपको अवरोही क्रम में चुनना है और काल क्रम अनुसार चुनना है। तो चार विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे अवरोही क्रम में कौन सा सबसे सही और सटीक विकल्प होगा, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी होगा, स्टेला कैमरिस। और स्टेला कैमरिस का जीवन काल है वो 1896 से लेकर 1993 तक इनका जीवन काल था। और इसके बाद के कुमार स्वामी, पारसी ब्राउन, ई वी हेबल। तो इस तरह से जो अवरोही क्रम का काल क्रम था वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारतीय चित्रकला के षष्ठांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। तो भारतीय चित्रकला में जो वात्स्यायन मुनि के द्वारा रचित कामसूत्र है और उसका तृतीय अध्याय टीका जय मंगला के नाम से पंडित सुधर ने जो 6 भेद बताए हैं, उस भेद में जो वर्णित सभी तत्व हैं उनका क्रम क्या है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी होगा, रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजना, ये आपका सबसे सही है। तो षष्ठांग का वर्णित तत्वों का सही क्रम है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कौन सा अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है। हमजानामा, तूतीनामा, कि अकबरनामा या पातशाहनामा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पातशाहनामा जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है। तो पातशाहनामा क्या है, ईरानी ग्रंथ है और इसमें ईरानी राजाओं के इतिहास का वर्णन किया गया है और इसका चित्रांकन जो है शाहजहाँ के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये अकबर के शासनकाल से संबंध नहीं रखता है, तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी। दक्कनी शैली जो है मूलतः कहाँ पर केंद्रित थी। ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, बड़ौदा, कोयम्बटूर या बीजापुर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीजापुर। तो दक्कनी शैली जो है वो प्रकृत तथा ईरानी शैलियों के सम्मिश्रण से उद्भव हुआ है और यह शैली बीजापुर में उद्भूत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्र है वो बीजापुर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। आपको बताना है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में है, मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में या राजस्थान में। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, हैदराबाद। तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद शहर में स्थित है और इस संग्रहालय में जो है बहुत सारी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं, रखी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक माने जाते हैं, 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के या 4 मनुष्यों के। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं ब्रह्मा के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। एनआईडी कहाँ स्थित है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या आंध्र प्रदेश में। एनआईडी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। और वर्तमान समय में फैशन तकनीक से संबंधित डिप्लोमा यहाँ दिया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, एनआईडी कहाँ स्थित है, गुजरात में। अगला प्रश्न है रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, गोवा में है कि पुणे में है कि बम्बई में है कि या मद्रास में है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न नंबर 9 गढ़ी कला केंद्र संबंधित है भारत कला भवन से, भारत भवन से, सांस्कृतिक केंद्र से या ललित कला अकादमी से। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ललित कला अकादमी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 चीनी चित्रकला का सृष्टांक किसने लिखा। चीनी चित्रकला का सृष्टांक किसने लिखा, दलाई लामा ने, सीहो ने, कन्फ्यूशियस ने या ताओ ने। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीहो ने। तो चीनी शिल्प सृष्टांक सीहो ने लिखा है और ये चीनी कला का अग्रदूत माना जाता है। इसको सीहो को चीनी कला का अग्रदूत भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके पास गणपत बी स्थापित स्थापति, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण दास, बी एस अग्रवाल या गुलाम मोहम्मद शेख। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गणपत बी स्थापति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 पृथ्वीराज कपूर क्या थे। पृथ्वीराज कपूर नेता थे, व्यापारी थे कि आर्किटेक्ट थे या अभिनेता थे। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कैमरे का आविष्कार कब हुआ है। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैमरे का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन है आपके पास 1870 में, 1860 में या 1850 में या 1857 में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1860 में। ठीक है, और कैमरे का आविष्कार जो है इराकी वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था इब्न अल हजैन नामक वैज्ञानिक ने 1860 में किया था। ठीक है, इराकी वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है। गुलाब, कमल, कुमुदनी या गेंदा। तो कुमुदनी है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, बेंगलोर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में या हैदराबाद में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 किसने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या अगस्टाइन। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुकरात। यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने एक वाक्य कहा है, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिप से आए हुए हैं। अंग्रेजी भाषा का जो अक्षर है वो किस लिप से आया हुआ है, लैटिन, रोमन, फ्रेंच या स्वीडिश। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैटिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 सुहाग के निपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, सुहाग के निपुर उपन्यास किसने लिखा। सुहाग के निपुर, ऑप्शन है मुद्र राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल या श्रीलाल शुक्ल। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। तो सुहाग के निपुर उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिंग्स कुमार स्वामी चित्रों का परिवर्तन विद्वान माने जाते हैं। तो किन चित्रों का प्रवर्तक और अध्येता या विद्वान माने जाते हैं, बंगाली या राजस्थानी, दक्कनी या अजंता। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या बिहार। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार। तो मधुबनी लोक शैली बिहार की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली है और इसका निर्माण जो होता है शादी विवाह या अन्य धार्मिक जो कार्य उत्सव होते हैं उनके अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फड़ जो है लोक कला है किसका एक रूप है। ऑप्शन है आपके पास मधुबनी, कालीघाट या पुरुलिया या भीलवाड़ा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भीलवाड़ा। तो फट चित्रकला जो है भारत की एक प्रमुख लोक कलाओं में से एक है और फट कपड़े के पर्दों पर लोक देवता के जीवन
का चित्रण फट चित्रांकन के लिए किया जाता है, और फट चित्रांकन के लिए भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 21 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।